हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। तो क्या हाल चाल गुरु लोग, आज हम करेंगे बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग। सबसे पहले लाइट रूम से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके एक्सपोजर थोड़ी कम करते हैं, हाईलाइट को भी कम करते हैं, शेडो को बढ़ाते हैं, वाइट को करते कम और ब्लैक को बढ़ाते हैं। इतना करने के बाद कलर टूल में जाएंगे, वाइब्रेंस बढ़ाएंगे और फिर मिक्स टूल में जाके ओरियंट टूल सिलेक्ट करेंगे, लुमिनस बढ़ाएंगे, सिचुएशन कम, रेड कलर भी लुमिनस बढ़ाएंगे, सिचुएशन कम, पिंक कलर लुमिनस सिचुएशन, पर्पल लुमिनस सिचुएशन। इतना करने के बाद कर लेना डन और फिर फोटो कर लेना है सेव। अब जाना है ऑटोडेस्क स्केचबुक में। तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो यहाँ से ब्रश सेलेक्ट करना है पड़ेगा और ये इस ब्रश को हम सिलेक्ट करेंगे। देख लो आप गाइस, इस ब्रश को हम सिलेक्ट करेंगे, इसकी ओपासिटी कर देंगे 100, फिर इसको कर दिया बंद ऐसे। अब बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। गाइज आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, दिखाता हूँ। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इस पर बैकग्राउंड ऐड करते हैं, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूँ और ये मैंने एक PNG ऐड कर दिए। इसको पकड़ के यहाँ से और फिर नीचे लगाएंगे, फिर ट्रांसफर में जाके को अच्छे से नीचे सेट कर देगी। इसको अपने हिसाब से आप यहाँ देख सकते हो, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और ये यहाँ से कर लिया डन। अब नेक्स्ट स्टेप है एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने का और फिर इसका ब्रांडिंग मोड तो हमें ऐसे रखना है। फिर एक दूसरा ब्रश सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है एयरब्रश। यहाँ से एयरब्रश इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको ओपेसिटी हम रखेंगे 65 और फिर यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट करेंगे और फिर इस लेयर को ले जाएंगे ऊपर और
नीचे जूतों पर पेंट मार देगी। ये हो गया पेंट। अब इसकी ओपेसिटी करेंगे हम, अब कैसे कम एडजस्ट हो जाए इतनी। आप देख सकते हो फर्क दिख रहा है आपको, एक शेप मिल गया है एक फेवर उसका। अब एक और लेयर ऐड करनी है ज़रूरी, तो यहाँ से हम इसको करेंगे डुप्लीकेट और फिर उसका यहाँ से HSL से सेट करेगी, पूरा कर देंगे काला। सॉरी इतना रखना है और फिर कर लेना है डन। फिर उस इमेज को करना है ट्रांसफ़र, यहाँ से नीचे करना है और फिर ट्रांसफ़र करके इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसको ले जाना है यहाँ पर, सेट करना है फिर अपने हिसाब से मैं इसको इतना नज़दीक रखता हूँ तो उसकी रिफ्लेक्शन दिखाई दे कि बंदा बैठा हुआ है, और फिर इसको कर देते यहाँ से। ओके अब इसकी ओपेसिटी हम कर दें कम। अब देख सकते हो डिफरेंस कि फोटो पर रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे कि फोटो उसी पर खींची गई हो। अब इतना करने के बाद इस फोटो को कर लेते हैं यहाँ से सेव और ले जाते हैं लाइट रूम में। अब हम आ चुके लाइट रूम में, तो यहाँ से इसका लाइट करेंगे हम थोड़ा कम, एक्सपोजर को करेंगे माइनस, शेडो को बढ़ाते और फिर वाइट को करते कम, तो ब्लैक को बढ़ाते। इतना करने के बाद जाना है कलर्स वाले सेक्शन में, यहाँ से इसका टेम्परेचर करेंगे हम प्लस, टिंट को हम करेंगे माइनस और वाइब्रेंस हम बढ़ाते हैं और सिचुएशन को करते हैं कम। फिर जाते हैं मिक्स वाले टूल्स पे, यहाँ से ऑरेंज कलर सिलेक्ट करिए, फिर से लुमिनस प्लस सिचुएशन माइनस, रेड का भी लुमिनस बढ़ाना है सिचुएशन माइनस, पिंक का भी लुमिनस बढ़ाना है सिचुएशन माइनस, पर्पल का भी लुमिनस बढ़ाना है सिचुएशन माइनस। और कर लेते हैं यहाँ से डन, फिर रिफ्लेक्ट, फिर यहाँ से थोड़ी क्लियरिटी बढ़ाते हैं और फिर जाते डिटेल्स में और शार्पनेस थोड़ी बढ़ाते हैं। अब इतना करने के बाद अब जाते हैं स्केचबुक में स्क्रीन स्मूथ करने के लिए, तो यहाँ से फोटो को कर लेंगे सेव। तो गाइस अब हम आ चुके हैं स्केचबुक में, तो यहाँ से हमें ब्रश सिलेक्ट करना है और हमें इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करना है, इसको करते सिलेक्ट ओपेसिटी 100। अब जाते हैं कलर्स वाले सेक्शन में और फिर इस वाले कलर को हम करेंगे सिलेक्ट। अब कलर देख लीजिए, फिर से दिखाता हूँ, इसको करेंगे हम सिलेक्ट, ये कर लिया। अब इसको स्किन पर अप्लाई कर देते हैं, इससे पहले एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम सॉफ्ट लाइट और ऐसे डुप्लीकेट लेयर ऐड करेंगे, बस दो लेयर हो गई। अब स्किन पर अप्लाई कर देते हैं,
अब इतना करने के बाद इसका HSL पर जाएगी, यहाँ से मेरा HSL, इसको सिलेक्ट करेगी, सेशन करेगी कम और फिर लुमिनस को बढ़ा देगी, अपने हिसाब से सेट कर देगी अच्छे से। यहाँ से कर लिया डन। अब दूसरी लेयर सॉफ्ट लाइट, इसको भी यहाँ से पिन करेगी, पर हम दूसरा ब्रश सिलेक्ट करेगी, हमें इस ब्रश को सिलेक्ट करना है मीडियम, इसको किया सिलेक्ट और फिर इसका ब्लेंडिंग मोड रखना है हमें स्टैंडर्ड और इसका पिंक रखना है कलर हमें। ओपेसिटी कर देते हम 60 और पेन कर देते हैं। इसकी ओपेसिटी कर लेते हम कम। इन दोनों लेयर को कर लेंगे हम यहाँ से मर्ज और फिर डुप्लीकेट लेयर बनाएगी और इसको फेस पर स्मूथ कर देगी। तो यहाँ से हम फेस को स्मूथ करने के लिए हम इस लेयर को, इस ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, देख लीजिए इसका सेटिंग लेरा, अब फेस पर अप्लाई कर देते हैं। और ये हो गया हमारा फेस स्मूथ, देख सकते हो आप। अब इसको कर लेते सेव और ले जाते लास्ट टाइम लाइट रूम में पूरा एडिट। मैंने पहले से डी एन जी बना के रखी है, लंबी वीडियो हो जाएगी इसकी वजह से। यहाँ से 3 डॉट आपको दिख रहा है, करना है ओके और फिर यहाँ से कॉपी सेटिंग मास्किंग और यहाँ पर कर देना है पेस्ट। आप मुझे कमेंट करना, आपको डी एन जी की लिंक दे दूंगा। हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है। अगर आपको ये फोटो एडिटिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।